सो बिफोर वी स्टार्ट द जर्नी भाई, आपको बैकग्राउंड देना जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा मिथ सॉरी, बहुत बड़ी गलत फहमी बहुत सारे लोगों की दूर हो जाएगी आज। लोग मुझे सोचते थे कि मैं चौपाल से हूँ और मेरा मतलब सब कुछ वहीं पे है, मेरे बगीचे हैं, दिस एंड दैट। बट भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, आइस ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं है। माई मॉम इज़ फ्रॉम चौपाल, तो मेरे मामू लोग चौपाल से है, बट आई ओरिजिनली यू कैन से आई एम फ्रॉम शिमला, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला। माई डैड इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन शिमला। फ्रॉम द रूट्स इफ यू सी, वी आर फ्रॉम कांगड़ा, एंड हमारे जो देवी देवता है वो भी वही के हैं, कुल देवी देवता, जो क्लैन डेटीज, आपने वर्ड अभी पढ़ा होगा स्टार्टिंग में, तो ये मुझे भी वर्ड गूगल से मिला था, तो इसका मतलब होता है आपके कुल देवी देवता। तो हमारे जो कुल देवी देवता है वो है बृहेश्वरी माता, ज्वाला माता एंड बाबा बालकनाथ। तो एवरी ईयर वी यूज टू विजिट देम, मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली जाते थे, बट अभी काफ़ी टाइम से गैप आ गया था कोविड के बाद से, तो हम जा ही नहीं पाए थे, तो इसलिए ये एकदम से इंस्टेंट सा प्लान बना। वो कहते हैं जब बुलावा आता है तो आप ऑटोमेटिकली मतलब थिंग्स अलाइन एंड यू जस्ट रीच, वैसे ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था। इतना इजी और लाइट ट्रिप रहा था ये कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा हमने ट्रैवल किया है या इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर किया है। और बाकी का आपको व्लॉग में आगे आगे दिख जाएगा कि क्या क्या हुआ है, कैसी जर्नी रही है। और मॉम डैड मेरे साथ थे और रास्ते में हम दिव्यम से भी मिले थे। हमारा पहला हॉल्ट है नियर अम्ब। हम अप्रॉक्सीमेटली 7 o'clock निकले थे, अभी टाइम हुआ है 9:34, तो ये हमारा फर्स्ट हॉल्ट है आफ्टर 2.5 hours। मैं यूजुअली ऐसे ही चलता हूँ कि मैं लगातार चलता जाता हूँ और हॉल्ट बहुत कम लेता हूँ, इसीलिए आप थोड़ा जल्दी ट्रैवल कर पाते हो। और अभी हमारे पास 69 किलोमीटर्स और रहते हैं जो हमने ट्रैवल करने, जिसमें एक घंटा दिखा रहा है, सवा एक घंटा दिखा रहा है। तो अभी हम बृजेश्वरी जा रहे हैं कांगड़ा, और उसके बाद जाएंगे आज ज्वाला जी, और स्टे रहेगा हमारा शायद हमीरपुर में। तो फटाफट से निकलते आगे 69 किलोमीटर्स मोटू। तो मेरे ना रुकने की आदत से पापा बड़े परेशान थे, पापा को खाना भी ना, पापा शिमला से चंडीगढ़ आते आते 2-3 बार रुक जाते हैं, मैं रुक नहीं रहा हूँ। अम्ब में कौन रहता था पापा? अम्ब में कोई तो रहता था, कि मटरू रहता अम्ब में, कोई तो रहता अम्ब में। साथ कि हम 11:30 पहुँचे, 12 बजे अभी मंदिर बंद हो जाता है दिन को, तो काफ़ी इन टाइम। चलो भाई ला, ये देखो ऐसे ऐसे रास्ते हैं, इधर से अपनी गाड़ी आई है और ये पार्किंग थी। जूता घर, यहाँ पे हमने अपने जूते उतार दिए, प्रसाद लेंगे और फिर यहाँ से एंट्री। ये रख लेना अपना, हाँ याद रखोगे। ये बढ़िया चीज़ है, मंदिर की एंट्री पे हमारे को गोलगप्पे वाले मिल गए, काफी रश है और गोलगप्पे वाले पे। काफ़ी अच्छे टाइम में आए थे हम, एकदम खाली खाली में दर्शन हो गए, हमारे से आगे कोई भी नहीं था, है ना। भाई धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, क्या बताऊँ।
अभी 12 भी नहीं बजे और हम यहाँ से फ्री हो चुके हैं, काफ़ी क्विक रहा भाई, दर्शन वगैरह हमारे काफ़ी जल्दी हो गए। मुझे तो लगा था कि बजेंगे 2-3 यहाँ पे, बट एकदम खाली था। अब कुछ खाना है क्योंकि हम ब्रेकफास्ट नहीं किया था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और पहाड़ों में ऐसे घूम घूम के ना चक्कर आते हैं, फिर अब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं फिर भागते हैं। सुबह का निकले, हमने कुछ भी नहीं खाया। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली एक ढाबा मिला जिसपे हम खाना खा सकते हैं, वरना आधे से ज़्यादा भाई बंद है अभी, कुछ ज़्यादा जल्दी आ गए शायद। एक गोभी, दो मिक्स, एक चाय नहीं, तीन चाय, एक दही, तीन बटर, तिलक खा लिया। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे भी। अब हम खा पी के पूरे टिच हो गए, अब चलते भाई ज्वाला जी की तरफ। हाँ, अब ज्वाला जी, हमारी यात्रा मंगलमय रही भाई, बहुत ही अच्छी है यात्रा। वैसे हमें VIP एंट्री मिल रही है, गाड़ी अपनी ऊपर जाएगी यहाँ से, बैरिकेड खुल रहे हैं। पहले मैं दूसरी तरफ ले गया था, मुझे लगा शायद इस पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, बट जा रही है भाई, ऊपर जा रही है, ये देखिए सुद्धि की चलती है भाई। जय हो माता रानी। और भाई बेस्ट बात यह है कि ज्वाला जी अपनी गाड़ी पहुँच गई है पहली बार, और बिल्कुल माता के दरबार पे जा रही है गाड़ी। बहुत खुश है। पूरे रास्ते पीछे तक एक भी गाड़ी मिली, कोई थोड़ा सा कोड मेरे को भी लग रहा था, बट ठीक है, जब फैसिलिटी मिल रही है। कहीं भी जाता हूँ मैं, कहीं पापा को ऐसे नहीं बोलता हूँ कि कहीं से ऐसे करा दो या वैसे करा दो, बट आज मज़ा आ गया भाई। यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे हर शॉप में अपना जूते आते रखो और फिर चलो। कोई 6-7 साल के बाद अब फिर से चलते हैं ज्वाला जी के दर्शन करने भाई। महामाई सब परिवार के दास, महामाई सर्व नोट पूर्ण करना भगवती सिद्ध शक्तिपीठ है, महाज्वाला देवी शक्तिपीठ पुण्य क्षेत्रे, महा ज्वाला जी पुष्पम सूर्त्यामी श्री महाकाली महारक्षी श्री दिगंबा ज्वाला नमः, श्री फल हाथ लगाओ सारे अंदर चढ़ा दो, श्री फलम समर्प्यामी महाकाली महालक्ष्मी स्वाहा। ये है माता की शैया, यहाँ पे माता को शाम को सोने के लिए लाया जाता है लास्ट आरती के बाद। टोटल 5 आरतियाँ होती हैं, लास्ट आरती यहाँ पे होती है, बाकी की 4 आरतियाँ इन अलग अलग मंदिरों में होती है सारे। तो भाई ज्वाला जी के साथ एक अलग ही अटैचमेंट है, मेरा मुंडन भी यहाँ पे हुआ था, अगर मुझे फ़ोटोज़ मिली तो मैं अटैच कर दूँगा साथ में। हम अकेडमी से दिव्यम को उठा के फिर जाएंगे बाबा बालकनाथ है। तो गाइस बढ़िया, हम दर्शन के बाद अब निकल रहे हैं भाई, क्या गजब दर्शन हुए इस बार, मजा आ गया। मतलब लेकिन बड़े ही मजे से, और हमें बिल्कुल भी थकावट नहीं है। टाइम हो गया 2:30 और 2 जगह हमारे दर्शन हो चुके, दोनों माता के मंदिर में दर्शन हो गए, अब जाना है बाबा बालकनाथ। और हमने दिव्यम को भी प्लान किया है कि बाबा बालकनाथ साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो हिम अकेडमी में यहाँ पे हमीरपुर में, तो अगर उसका अप्रूवल हो गया, वो भी पापा ने किसी से फोन करके उसके लिए सरप्राइज प्लान किया, उसको बताया नहीं कौन आ रहा, उसको सिर्फ ये बोला कि तो तैयार हो जाए, तेरे से कोई मिलने आ रहा है, तो उसको पता नहीं है शायद, तो लेट्स सी क्या होता है। चलो फिर चलते हैं, अब डायरेक्ट हिम अकेडमी में मिलते हैं। बाय।
अच्छा है, स्कूल है ना, एकदम जबरदस्त है भाई, मानना पड़ेगा। क्वाइट इम्प्रेसिव, क्वाइट इम्प्रेसिव। गाइस अंदर तो हम आ चुके हैं, अब दिव्यम का वेट हो रहा है, देखते हैं। तो गाइस फाइनली वी हैव दिव्यम विद अस। दिव्यम को खतरनाक झटका मिला भाई। इसको पता ही नहीं चल रहा था इसके कितने सारे क्या वो हॉस्टल पेरेंट और ये सारे काफी अप्रूवल्स, ये देखो वार्डन्स, ये पूरा अप्रूवल वगैरह लेके फुल विधि विधान के साथ इसको निकाला है हमने। लास्ट में इसको सरप्राइज मिला कि हाँ, आसान नहीं है भाई यहाँ से निकलना। अमेजिंग स्कूल भाई, क्या कैंपस है, पूरे पहाड़ में कैंपस बनाया हुआ है। देखो भाई फाइनल चेकअप। हाँ जी अश्वनी सर के, अगर आपको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपने बच्चे को रखना है, और जो यहाँ तो के वाइस प्रिंसिपल है वो हमारे इतने अच्छे नोन है। हाँ। और उन्होंने हमारे को सारी परमिशन दी है, पर फिर भी नहीं। हाँ, मतलब पूरी इनकी जो वो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारी नोन है। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं, फिर भी गार्ड नहीं जाने दे रहा है। देखो पूरा जुगाड़ जुगाड़ लगा के फिर देवे हमको निकालते हैं, आगे बातचीत करते हैं हम एक बार। ये तो पूरी कैद है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। कैसा चल रहा था इस कैद में? बहुत अच्छा। भाई फाइनली आउट ऑफ हिम एकेडमी, अब हम जा रहे हैं बाबा अलकनाथ की तरफ, आपसे रास्ते में बात करते हैं। जर्नी ऑफ 1.5 आवर, काफ़ी पतला सा ना, ऐसे 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 रोड है यहाँ का, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। लुक एट दिस, कहाँ कहाँ तक दिख रहा है, नहीं कैसे दिख रही है, ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ, लाइन लाइन वाली पहाड़ियाँ, काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, काफ़ी शानदार व्यू है यहाँ पे। अब यहाँ पे फटाफट से दर्शन करके फिर शाम को अपना स्टे है हमीरपुर, वापस हमीरपुर जाएंगे, सुबह दिव्यम को हम छोड़ेंगे और फिर हम वापस निकल जाएंगे। दिव्यम को आज बढ़िया सरप्राइज दे दिया, लेकिन मज़ा आ गया हिम अकेडमी जाके आज, सच में है ना। हाँ। मस्त मज़ा आया आज हमें, बहुत अच्छा था। हाँ। बाबा बालकनाथ का रोड बड़ा फेमस है, ये देखो ये वाले रोड। गाइस सो अपना भाई जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा हमारा ट्रिप रहा है, बहुत ही इजी सा लगा है। हमने दो, मेरे ख्याल से मैं 350-400 किलोमीटर गाड़ी चला चुका हूँ, बट आई डिड नॉट फील दैट, बहुत ही मज़ेदार रहा। सो अभी के लिए इतना ही, अभी हम वापस जाएंगे डैड के फ्रेंड के घर, हमने डिनर पे जाना है, उसके बाद सर्किट हाउस में अपना स्टे है, स्टे करके कल सुबह निकल जाएंगे दिव्यम को छोड़ के जिसने भी कैमरा पकड़ा है। तो अभी के लिए इतना ही, दिस इज लक्ष्य फॉर नाउ, यू टेक केयर, जय माता दी, बाय बाय।